संसार की वस्तुओं में किंचन मात्र खाट खुजली की तरह सुख है। आप पिक्चर देखते हैं उसमें थोड़ी सुख की अनुभूति होती है, लेकिन आप जब कथा सुनते हैं उसमें सुख नहीं, उसमें आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। आप शादियों में जाते हैं तो उसमें सुख की अनुभूति होती है, लेकिन जब आप तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है। भागवत आनंद प्रदानित करती है, आनंद देती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो कृष्ण विश्व की उत्पत्ति कर रहे हैं, इसका पालन कर रहे हैं और इसका उद्धार कर रहे हैं, उनके चरणों में हम और आप सब वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अपने दिन का आरंभ आप स्तुतियों से कीजिए। जिस बेडरूम में आप सोते हैं, शयन कक्ष में आप सोते हैं, उस दीवाल के ठीक सामने एक ऐसी तस्वीर लगाइए जहां भगवान शेष सैया पर हैं और लक्ष्मी माता चरणों में। ये बेडरूम में तस्वीर लगाने की जरूरत है। ड्राइंग रूम में वह लगाइए जहां श्री कृष्ण सुदामा के चरण धो रहे हैं वो, या सबरी माता राम जी को बेर खिला रही है, वो तस्वीर अपने ड्राइंग रूम में लगाइए। एक जगह और है पूजा का घर। पूजा के घर में वो हनुमान जी बिठाइए, कैलेंडर सब बाजार में मिल जाता है, राम नामी ओढ़े हैं हनुमान जी और एक तख्ती के ऊपर सिरा दे, एक तख्ती के ऊपर रामायण रखी हुई है ऐसे खुली, और हनुमान जी उसका पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी समझ लो कि 365 दिन आपके घर में पाठ ही करते रहेंगे, और जिसके घर में हनुमान जी पाठ कर रहे हो महाराज, उसका क्या बिगड़ सकता है जीवन में। कर हम सनातनी लोग, हमारा जैसा तो आनंद किसी के पास है ही नहीं। इस आनंद की अनुभूति कीजिए। क्या सुंदर श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो भगवान त्रिविध ताप को समाप्त कर रहे हैं, आदि दैविक आदि भौतिक अध्यात्म, तीन तरह का दुख, और भगवान उसको समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं। ऐसे राधा माधव सरकार को हम और आप वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।